हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जियो 5G एक्टिवेट कैसे करें। अगर आपका मोबाइल 5G मोबाइल है और आप जियो 4G सिम यूज कर रहे हैं तो उसमें आप 5G सिम को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। इसमें हम आपको जियो 5G को एक्टिवेट करने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है, हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे के साथ बजेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर माई जियो ऐप से भी आप से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको गूगल में सर्च करना होगा। यहाँ पर इसे डाटा चालू कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर सर्च कीजिएगा यहाँ पर माई जियो। तो यहाँ पर जैसे आप जियो भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जियो लिख के सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह आ जाता है। अब इसको यहाँ पर टैप करके ओपन कर लेना है, इस वेबसाइट को jio.com को। यहाँ पर देख सकते हैं ये ओपन हो गया। अब इसे यहाँ पर सिर्फ क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर देखिए हल्का सा टाइम लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आ गया। अब आपको यहाँ पे जो थ्री ये इधर आपको थ्री लकीर जो दिखाई दे रहा है इस तरह, आपको इस पर जाना है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ट्रू 5G लिखा गया है, ये न्यू यहाँ पे ऑप्शन इस तरह का देखने को मिलेगा। आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे इस पर टैप कर दीजिएगा तो ये जो है देखिए ये करता क्या है कि यहाँ पर चेक डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी, तो ये क्या करेगा कि आपका डिवाइस 5G है कि नहीं है वो चेक करेगा। तो आपको यहाँ पर इस पर टैप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डायल कीजिएगा और डायल करने के बाद आपको एक OTP देता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका 4G होगा तो 4G बताएगा, अगर आपका डिवाइस 5G होगा तो 5G बताएगा। तो यहाँ से आप डिवाइस को चेक करके आपको आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस 5G सिम सपोर्ट है या फिर 5G सिम सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह यहाँ से आप चेक कर लेंगे, पहला जो स्टेप ये है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका 5G डिवाइस है तो यहाँ मान लीजिए आपका ठीक है, सब कुछ सही है, आपका डिवाइस 5G निकल गया। अब आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा। इस तरह आप स्क्रॉल करके यहाँ पे जो सेटिंग है आपको यहाँ पे सेटिंग पे चल जाइएगा। इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग, अब इस सेटिंग पे आपको जाना है। इस तरह टैप कीजिएगा, चाहे आपका जो भी मोबाइल 5G का हो तो सेम सेटिंग सब में दिया हुआ रहता है। आपको जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उस तरह आपको करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क लिखा होगा, आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर टैप कर देना है। और टैप करते ही आपको यहाँ पर जो आप जो यहाँ पर मान लीजिए डबल सिम का मोबाइल है तो इनमें समझ जी ये मेरा 5G है, तो जो आपका दोनों में से जो आपका 5G मोबाइल है सिम कार्ड है तो उस पर आपको इसे टैप कर लीजिएगा। मतलब जो आपका जैसे जियो का है तो उसको टैप करते के बाद आपको यहाँ पे एक यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ तीन चीज़ अभी आ रहा है, एक्सेस पॉइंट नेम, मोबाइल नेटवर्क, यूज वोल्टी। तो इसी के अंदर आपको एक मिलेगा प्रेफर्ड नेटवर्क। यहाँ पर जैसे कि अभी देखिए अभी यहाँ पर तीन ठो कॉलम है, एक्सेस पॉइंट, मोबाइल नेटवर्क, यूज वोल्टी। तो यहाँ पे आपको एक टो मिलेगा इसी जगह, ये तीनों के जगह एक टो यहाँ पे चार कॉलम मिलेगा और वहाँ पे लिखा होगा प्रिफेरेड नेटवर्क। तो आपको उस पर टैप करके जैसे टैप कीजिएगा तो दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक 5G और एक 4G LTE लिखा हुआ आएगा। तो आपको 5G पे टैप कर दीजिएगा और टैप करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, फ्लाइट मोड को एक बार चालू कर लीजिएगा। इस तरह चालू करने के बाद आपको फ्लाइट मोड फिर से इस तरह बंद कर दीजिएगा और देखिएगा आपका यहाँ जो नेटवर्क है यहाँ 5G आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं आता है तो मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर दीजिएगा और स्विच ऑन करके देखिएगा आपका नेटवर्क 5G कैच कर लेगा, अगर उस एरिया में कवर करता होगा 5G तो। अगर आपको यह वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप आएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में घंटे साथ बजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।